हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिए एग्ज़ाम से पहले। टॉप 50 करंट अफेयर्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। साथ में ईडियम फ्रेज की भी वीडियो पहले से जो आ चुकी है और ग्रामर की भी वीडियो आई है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन देख लीजिए, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि मोल मतलब बहुत ही छोटा पार्ट होता है ना, बहुत छोटा होता है, और हिल मतलब होता है बहुत बड़ा। यानी कि अगर आप किसी छोटी सी बात को एग्जरेट करते हो, एग्जरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो, और उसे छोटे से बात को क्या करते हो, यानी कि हिंदी में अगर मैं उसे बोलूँ ना, तो बात का बतंगड़ बनाना या फिर राई का पहाड़ बनाना। यानी कि आप किसी चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है वैल्यू दे रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है। टू गिव ग्रेट पोटेंस टू अ ट्रिफलिस, या फिर देखिए ये चार ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं ना, तो सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। यानी कि अगर आप छोटी सी बात को बहुत आगे बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो तो उसे बोलते हैं माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टू बी रोलिंग इन अ मनी, यहाँ से एक फोटो देख लो आप, बहुत बारीकी से आप चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए टू बी रोलिंग इन मनी, यहाँ से दिख रहा है ना फोटो, पैसे के बीच में ये बंदा सोया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत रिच है, आराम से पैसे के ऊपर सो रहा है ना। आप भी सोचते होगे कि काश पैसे के ऊपर मैं सो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पैसे ही पैसे होना, यानी कि टू बी वेरी रिच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आपको इसकी पार्ट थर्ड भी चाहिए, अगर आप इसे इंजॉय कर रहे हो इस लेसन को, तो पार्ट थर्ड चाहिए तो नीचे कमेंट करके 20 कमेंट एटलीस्ट आने चाहिए, तो मैं आपको जो है पार्ट थर्ड बनाकर दे दूंगा। पहले वाले में भी मैंने पोल कराया था, लोगों ने पार्ट टू कमेंट किया, तो पार्ट टू हाजिर है। अगर आपको पार्ट थर्ड चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके पार्ट थर्ड लिख दीजिए। तो देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का क्या मतलब होता है, देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की वजह। सपोज कर लो कि आप दो भाई बहन हो और बिस्किट के कारण या फिर किसी फ्रूट के कारण या छोटी सी बात खिलौने के कारण टॉयज के कारण आपने झगड़ा जरूर किया होगा बचपन में, तो वो बोलते हैं कि वो खिलौना ही क्या है, मम्मी बोलते हैं ना खिलौना का ही तोड़ दूंगा अगर तुम लोग इसी खिलौनों के लिए बार बार झगड़ते रहोगे। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, अ कॉज ऑफ क्वारल, क्वारल का मतलब होता है झगड़ा। एक और बात, जब आप बड़े हो जाते हो तो जमीन के लिए झगड़ा करते हो, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिलहाल बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि आप रिटायरमेंट नहीं लेते हो। सपोज कर लो जैसे इंडिया में क्या है, 60 से 65 साल तक आप जॉब करते हो किसी भी सेक्टर में, तो सपोज कर लो कि आप काम करते करते रिटायरमेंट से पहले आपकी डेथ हो जाती है। थोड़ी सी आपको ये लगेगा कि किस तरह की बातें हो रही है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ों को रख रहा हूँ। आपकी उम्र अगर जो है 60 नहीं होती है और आप रिटायर नहीं होते, उससे पहले मर जाते हो, तो बोला जाएगा टू डाई इन हार्नेस, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग, यानी कि आप काम करते करते मर जा रहे हो। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करते हुए मर जा रहे हो, वर्किंग का मतलब होता है कि आपने अपने रिटायरमेंट को नहीं छुआ, उससे पहले आपकी डेथ हो गई। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। टू कट अ सॉरी फिगर, टू कट अ सॉरी फिगर का क्या मतलब होता है, देखिए आप ना अपने आप को दिखाते हो कि आई एम वेरी पुअर, और आप दिखाते हो कि नो आई डोंट हैव दिस और समथिंग लाइक दैट, तो आपको बोला जाएगा टू कट अ सॉरी फिगर, यानी कि आप क्या हो, बहुत ही बार बार अपने आप को क्या शो कर रहे हो, आप अपने आप को पुअर शो कर रहे हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर थोड़ी सी रहम खा लो, दया कर लो, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैंने पिछले दिन भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, एलिफेंट इन द रूम, शायद किसी ने जवाब नहीं दिया है उस वीडियो में अभी तक। क्वेश्चन को फिर से दोहरा देता हूँ, एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मुझे पता है कि बहुत तेज लोग, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब होता है। टू कट अ सॉरी फिगर मैंने बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू लीव नो स्टोन अनटर, यहाँ से आपको फोटो दिख रही होगी ना, अब आपको दिख रहा होगा कि स्टोन का मतलब है कि पत्थर को उड़ाकर गिरा देना, हटा देना। देखिए मतलब तो है,
यानी कि आप क्या करते हो ना कि जो आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, लेकिन आप बार बार उस पर प्रयास कर रहे हो और आप बिल्कुल जितनी एफर्ट आप डाल सकते हो किसी भी चीज़ को करने के लिए, जितने प्रयास कर सकते हो आप कर रहे हो। इसका मतलब हो गया कि आप जो है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट, यानी कि आप क्या कर रहे हो, हर तरह के एफर्ट लगा रहे हो उसको ख़त्म करने के लिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आप हर पॉसिबल वे में उस काम को पूरा करना चाहते हो, ये आपके कमिटमेंट को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू लुक डाउन अपॉन, टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है, देखिए आप ना यहाँ से एक फोटो देख लो, तीन औरतें एक जगह पे है, थ्री वुमेन, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक और औरत जो है थोड़ी अलग है, थोड़ी गरीब है। तो तीनों अपने आप में खुसुर फुसुर करके ये बोली जा रही है, गॉसिप कर रही है कि वो देखो वो कितनी गरीब है, या फिर उसने जो है बहुत चीप बैग ले रखा है, चीप प्राइस के बैग ले रखे हैं। यानी कि आप अपने आप को क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो, किसी को क्या दिखा रहे हो कि वो बहुत ही इन्फीरियर है, यानी कि कमज़ोर है, कम पैसे वाला है, कम ताकतवर है। सुपीरियर का आप अपने आप को ज़्यादा जो है एसर्ट दिखा रहे हो कि मैं बहुत तेज़ हूँ, बहुत अमीर हूँ। हर तरह से इसे समझ लेना, अगर कोई आपसे कमज़ोर आपका दोस्त है, आप उसे जो है इन्फीरियर मत दिखाओ, उसको जो है प्रोत्साहित करना चाहिए आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है आप अपने आप को क्या करते हो, सुपीरियर साबित करना चाहते हो, किसी को इन्फीरियर दिखाना चाहते हो। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा। टू लीव गेट रिड, यहाँ से एक फोटो दिख रहा होगा आपको, यानी कि जब कचड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसे फेंक देते हो और निकल जाते हो, यानी कि आप अपने आप को फ्री करना चाहते हो। रिजेक्टेड नहीं होगा, डेली अर्निंग भी नहीं होगा, बींग स्लाइटली बेटर भी नहीं होगा, यानी कि बी फ्री फ्रॉम। देखो जैसे आप बोलते हो ना कि सपोज कर लो कि आप किसी रिलेशनशिप में हो एंड इट इज कंप्लीट मैस और आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप बोलोगे टू लिव गेट रिड, यानी कि आप जो है इस पचड़े से बाहर निकलना चाहते हो, या फिर आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और आपको लग रहा है कि ये शेयर जो है डूबने वाला है, तो आप क्या करोगे, औने पौने दाम में, यानी कि बहुत ही कम प्राइस पे उन शेयर्स को बेच दोगे और वहाँ से निकलना चाहोगे। या फिर आपके घर में बहुत सारा कचरा है तो आप क्या करोगे, गाड़ी वाले जो आते हैं आपके घर के सामने, उन्हें आप कचरा दे दोगे और कचरा से मुक्ति मिल जाएगी आपको। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीट अ वाटर लू, मीट अ वाटर लू, यहाँ से आपको फोटो दिख रही होगी, यानी कि वाटरलू का क्या मतलब हो गया, मीट अ वाटरलू का मतलब होता है आपसे कोई सुपीरियर इंसान आपको मिल जाता है और आपको हरा देता है, यानी कि फाइनल डिफीट आप समझ लो इसे। टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि किसी से हार जाना, किसी ताकतवर इंसान से आप हार जाते हो तो उसे बोलते हैं वाटरलू। वाटरलू से मुझे याद आया, वाटरलू की लड़ाई भी हुई थी ना, नीचे कमेंट करके बताइएगा वाटरलू का जो वॉर है किसके किसके बीच में हुआ था। देखते हैं कितने इंटेलेक्चुअल लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप बताओगे। ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कि पूरा सर और कान जो है डूबा पड़ा हुआ है। आप समझ ही चुके होंगे कि कंप्लीटली आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो। सपोज कर लो कि कोई एक लड़का और एक लड़की इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में, या फिर आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट, आप कंप्लीटली डेडिकेटेड हो एक वे में जो है, आप अपने आप को क्या करना चाहते हो, इससे सक्सीड करना चाहते हो, इस काम को कंप्लीट करना चाहते हो। यहाँ से फोटो भी आपको दिख रही होगी, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है ओवर हेड एंड ईयर का मतलब होता है आप किसी चीज़ में क्या हो, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, इंडल्ज हो, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 idioms थे, अगर आपको 10 और चाहिए तो नीचे कमेंट करके पार्ट 3 जरूर लिखिएगा। जाते जाते फिर से बता दूं, 99 rupees में आप मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो जो कि NBS के हैं, 399 में आप जो है हैंड रिटन नोट्स मेरे ले सकते हो। ईमेल आईडी यहां से आपको देख लेना है, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ यू ऑन इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।